दिन से लगातार घूम रहा हूँ 6 जिलों के अंदर, क्योंकि मुझे तो खुद हर जगह जाना पड़ता है। आप डिमांड करते हो कि हनुमान जी को लेके आओ, मैं तो एक हूँ, राजस्थान लंबा चौड़ा है, मेरे पास ऐश्वर्या राय हेमा मालिनी तो है, मैं उनको भेज दूँ, मुझे ही जाना पड़ता है। ठीक है, बीजेपी कांग्रेस वाले तो फिल्म एक्ट्रेस को बोला लेते हैं, क्रिकेटर को बोला लेते हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मैं तो जवान और किसान है, उग जी के भाई की डेथ हो गई, नहीं तो कई जगह इनको भेजते हैं। इंदिरा जी साहब को भेज कर भी नहीं, सारे लगे हम लोग जयपुर में भी छोटे भाई को भेज रखा, मैं भी सफाई करके आया जोधपुर के अंदर, नागौर इतना ही जोधपुर में, क्योंकि जब 2018 के अंदर पार्टी बनाकर चुनाव लड़े तो भोपालगढ़ के किसानों ने जवानों ने आरएलपी को जीता के राजस्थान में संदेश दिया कि मुख्यमंत्री के गृह जिले के अंदर भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूत स्थिति के अंदर, बिलाड़ा में 40,000 वोट, लूनी में 30,000 और शेरगढ़ में 14,000, ओसिया में मुझे दया आ गई थी इसलिए मैंने उम्मीदवार नहीं उतारा, लो आउट में भी उम्मीदवार नहीं उतारा, मेरे को पूरा हिसाब किताब पूरा करना था किसी से। राजस्थान में कई लोगों की चिंता करी और कई जगह आप लोग आ गए कि साहब हमारे उम्मीदवार मत उतारो, आपकी नई पार्टी है, हमारा नुकसान हो जाएगा। मैंने आप सबकी बात मानी, लेकिन भाइयों 23 के अंदर मैं इनकी चिंता करूंगा जो मेरे सामने खड़े हैं बैठे, इन माताओं की चिंता करूंगा, इन बच्चों की चिंता करूंगा। 23 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान की तमाम सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मुझे लगता है कि ट्राइबल बेल्ट को छोड़ के आज ट्राइबल बेल्ट के जो 7-8 जिले हैं उनमें भी कह सकते हैं हमारी स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है, बाकी तमाम राजस्थान के 25 से ज्यादा जिलों के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नौजवानों की खोज हो रही है, तो कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ ऐसा बिगुल बजाएगी कि 1 साल बाद कांग्रेस और भाजपा के नेता गांव में घूमते हुए नजर नहीं आएंगे। ये नौजवानों को भाइयों जोधपुर के अंदर रैली की मैंने घोषणा करी थी, दुर्भाग्य से कोविड आ गया, कोविड के अंदर किन परिस्थितियों में गुजरे, राजस्थान की निकम्मी कांग्रेस सरकार ने मरने के लिए छोड़ दिया हमारे, न तो वेंटिलेटर थे, न ऑक्सीजन के प्लांट थे, न रेमडेसिविर इंजेक्शन था और न आईसीयू के अंदर वार्ड थे। और तो और कोरोना के बाद जो सरकार ने कोरोना पैकेज देने की घोषणा करी कि अगर कोई अनाथ है उसके माता पिता चले गए तो उसको पैकेज देंगे, जब वो डॉक्टर के पास सर्टिफिकेट लेने जाता है तो डॉक्टर लिख देता है इसकी कोरोना से मौत नहीं, ये तो हार्ट अटैक था, सिंपल ब्रेन एम्ब्रेज था। तो हमारा जो घोषणा है कि भाई दिल्ली और राजस्थान पैसा देगी, 1 रुपया भी कोरोना पीड़ित परिवारों को राजस्थान और दिल्ली की सरकार ने नहीं दिया, हमें भगवान के भरोसे मरने के लिए छोड़ दिया, हम तड़प तड़प के मरे, कोई सुनने वाला नहीं था, अकेला हनुमान बेनीवाल इस कोरोना काल के अंदर भी अस्पतालों के दौरे कर रहा था और मैं अपने स्वास्थ्य के साथ जान हथेली पर रखे पूरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रत्येक व्यक्ति की मदद कर रही थी। भाइयों आप अभी अगर आपके बातें समझ में नहीं आती, 70 साल बाद जोधपुर में कल जो चाकूबाजी घटना हुई ना, 11 भीड़ परिवार की हत्या हो गई, राजस्थान में रोज बलात्कार हो रहे हैं, कानून का नंगा नाच राजस्थान के अंदर गुंडे बदमाश कर रहे हैं और थानों के अंदर गुंडे पार्टियां करते हैं, रात को कौन सा कानून है बताओ मुझे, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, जवान को रोजगार नहीं, आंदोलन करोगे तो लाठी गोली चलेगी, किसान आत्महत्या कर रहा है, पीने का पानी नहीं, सड़क स्कूल बिजली नहीं, मुख्यमंत्री के जिले में घूम रहा हूँ 3 दिन से, सड़कें नजर नहीं आ रही मुझे कहीं ढंग की, ऐसे हालात अगर सीएम के जिले में अंदाज लगा लो राजस्थान में क्या हालात होंगे। भाइयों उठो अपनी ताकत को पहचानो, अगर पंचायत समिति वार्ड कांग्रेस जीत जाती है तो कौन सा कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा क्या कांग्रेस छोड़े, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहेगा, लेकिन आरएलपी अगर जीतती है तो मैसेज जाएगा कि गहलोत ने गृह जिले के अंदर कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दिया, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पिपाड़ के अंदर हमारे फार्म खर्च किए 18 जिला परिषद के 4 फार्म किए खर्च, मैं तो एक ही आह्वान करूंगा, अगर किसान को बचाना है कौम को बचाना है तो समझदार बन जाओ, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं तो संन्यास भी ले सकता हूँ, मेरा कोई भरोसा नहीं है, 24 तत्व
अगर मुझे लगेगा कि 24 के अंदर आप लोग कांग्रेस बीजेपी के अंदर रहोगे तो फिर मैं मेरी जिंदगी भी खराब होगी। 24 के बाद हर व्यक्ति को समझाने की आवश्यकता नहीं होती, कई बातें अपने आप ही समझा। आप अपने काम करते हो ना, करके अपने हिसाब से करते हो सारे भाइयों। बड़ी लड़ाई आती है, छोटी लड़ाई छोड़नी पड़ती है। और जिनको आपने परखा है, जिनके साथ आप रहे हो, और जब परखे हो के वापिस नहीं परखना पड़ता, एक बार भी पता लग जाता है आदमी कैसा है। सारे समीकरण छोड़ो, एक ही चीज का ध्यान रखो, नारसर के पंचायत समिति वार्ड में न तो राहुल गांधी आया था, न सोनिया आई थी, न अशोक गहलोत आया, और न वसुंधरा आई, हनुमान बेनीवाल वोट मांगने आया। इसलिए बटन दबाना, और जब वोट लेने जाओ तो अंदर आप यही देखना कि बोतल हमारे हनुमान जी लाए। कोई किसान नेता बोतल नहीं ले पाया आज तक, कोई दूसरा चिन्ह नहीं ले पाया। यह मैं देख रहा हूँ नागौर और जोधपुर के अंदर जिनको हमने तैयार किया, वो बकवास करते घूम रहे, मेरे दादाजी मेरे दादा सारे दादाजी नोचुला थोड़ी थी जो नागौर में दादाजी नागौर ने गंगा जी में घाट दियो, मैं बेटा जीवता हूँ लोगों के। इनके चक्करों मत पड़ो, गहलोत ने इनके परिवारों को फंसाया और ये गहलोत के नारे लगा रहे। इसे अंदाज लगा लो, ये कमजोर कायर लोग है, इनके चक्करों में नहीं पड़ना है। ये वीर धरा है, ये जोधपुर की वो धरती है जो सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने बच्चों का बलिदान देती है। ये जोधपुर की वो धरती है जब लेवी चालू की कांग्रेस सरकार ने 3 जनों ने साथ दी और लेवी को 24 घंटे के अंदर खत्म करवा दिया। चाहे जाट आरक्षण का मामला हो, चाहे बिजली का आंदोलन हो, बाढ़ में जोधपुर से जो चिंगारी उड़ती है वो जयपुर जाके ज्वालामुखी बन जाती है। भाइयों 23 तक बड़ी जंग हमें लड़नी है। पूरा राजस्थान जोधपुर नागौर की ओर देख रहा है, मारवाड़ की ओर देख रहा है। मैं आपको बता दूं कि नागौर के अंदर तो 10 की 10 सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीतेगी। 23 के अंदर कोई नजदीक भी नहीं लगेगा। आपको बोतल का ध्यान रखना होगा, बोतल का चिन्ह बटन दबाना, ये मत देखो क्या है क्या नहीं। आप बोतल दिखनी चाहिए, हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस भाजपा का 70 साल का काम आप लोगों को दिखना चाहिए। भाइयों मैं आपके गांव के अंदर पहले भी आया, तो मैंने उनका रैली करी थी, आपने बिठाया था, और वो घोड़ी बड़ी बदमाश थी, तो मुझे गिरा देता। वो आपका घोड़ी है भी आज नहीं लाई नहीं है। अब एक काम करना, उस घोड़ी पे किसी कांग्रेस के नेता को बिठा देना। मैं तो समय रहते कूद गया, लेकिन उसके अंदर जोश था बड़ी। भाई आपका सबका सहयोग मेरे साथ रहता है, और इन चुनाव जैसा नहीं मैं कोई ये चुनाव से कोई उबर जाऊंगा। मैं तो प्रयास किया, पहली पार्टी है, सारे थर्डपॉइंट लाल झंडा बसपा का झंडा संविधान छोड़ के भाग्य सारे सारे अकेला हूँ। तो राजस्थान के आन मान शान की लड़ाई राजस्थान में सड़कों पे देश के अंदर करा। जब देश का किसान तकलीफ के अंदर था, मेरे सामने दो विकल्प थे, या तो मैं मंत्री बन के प्रधानमंत्री के साथ किसान मिलों के समर्थन में खड़ा होता, और या किसानों की पीड़ा मिटाने के लिए उनके आंसू पहुंचने के लिए सड़क पर जाता। मैंने एनडीए को ठोकर मारी, सत्ता को ठोकर मार के अपने भाइयों के साथ 7 दिन बॉर्डर पर भैया नेताओं को मैं जानता हूँ सबको। ये जो नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना कांग्रेस भाजपा के, ये रात के अंदर आके किस तरह हमसे मिलके जाते हैं, ये बातें बताने की नहीं होती। इनका काम भी कईयों का मेरे ही से निकलता है, बता दूं आपको। इसलिए आपको ये नहीं है कि कांग्रेस का राज है बीजेपी का राज है। क्या कर लिया कांग्रेस बीजेपी ने मेरा? मैंने गहलोत के बेटे को हराया। क्या कर लिया गहलोत ने मेरा? मैंने वसुंधरा का इलाज करके लंदन भेज दिया। कर दिया क्या मेरा? लाल बच्चे को नहीं उतार पाई वसुंधरा। कांग्रेस से बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं। अगर कांग्रेस ही आपको डराएंगे तो मैं गहलोत को डरा दूंगा, सोनिया को डरा दूंगा, और राहुल गांधी को डरा दूंगा। तो बीजेपी डराएगी तो बीजेपी बिना दूल्हे की बारात है। दूल्हा है नहीं, 13 मुख्यमंत्री के दावेदार, 13 दूल्हे और एक लुटेरी दुल्हन वसुंधरा, 14 लोग है। ये बारात कहाँ जाएगी? तोरण कौन मारेगा इसका पता नहीं। मुझे तो लगता है कि तोरण राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी वाले मारेंगे।
भूलना नहीं है। विधानसभा चुनाव में जैसे नारसर के अंदर भारी वोटों से वोटर को वोट दिए, अब तो नौजवान बढ़ गए होंगे, दो तीन साल के वोट भी बढ़े। उस समय मैं नहीं आया था, अब मैं भी आया हूँ। आपको कांग्रेस देख नहीं, भाजपा एक जगह मुझे लोग कह रहे थे कि साहब आरएलपी को वोट तो देना चाहते हैं लेकिन झिमण कांग्रेस वालों को बढ़िया बन रहा है। एक काम करो, झिमण झिम लो, झिमण मना कर रहे हैं। और ये कौन सेपरेट देता है, आप वोट जिनको देते हैं वो कौन सा काम करेंगे, गारंटी झिमण कांग्रेस भाजपा के झिम लो, गाड़ियों में तेल भरा लो और वोट राष्ट्र लोकतांत्रिक पार्टी को डाल। साल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने भी आपको ठगा था, बना लेगा मुख्यमंत्री आप। ये तो मैं आ गया, ये दोनों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष किसान कौन के बेटे हैं। अगर मैं चला जाऊं सत्ता के साथ फिर वही 50 साल गुलामी करनी पड़ेगी। लंबी बात नहीं कहूंगा, मैं आया हूँ, मेरा मान सम्मान रखना और जोरदार ढंग से बोतल के बटन दबाना।